अरे ओ भाई रुको, एक मिनट बात सुनो। जी जी बोले, क्या बात है? अब क्या होगा, लगता है पकड़े गए हैं। ये क्या कर रहे हो भाई जान? क्या कर रहे हैं? क्या मतलब, रास्ते से जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जा तो रहे हो लेकिन लंगड़ाते हुए क्यों जा रहे हो? वो दरअसल हम दोनों की टांगे एक ही ट्रक के नीचे आ गई, इसलिए हम लंगड़ा रहे हैं। ओहो, बड़ा दुख हुआ आप लोगों की दास्तान सुनकर। बस अब क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। यहाँ ठहरा क्या गप्पे लड़ा रहा है, मेहमान आते ही होंगे, जल्दी से चिकन को फ्राई कर। भाई जान ये दोनों बेचारे माजूर हैं, बस इनसे इनका हाल पूछ रहा था। हैं? मजूर हैं? तुझे शर्म नहीं आती? मजूरों को एक टांग पर खड़ा किया हुआ है, जल्दी से इनको बिठा और खाना वाना खिला। नहीं भाई साहब, खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं, आपने हमारा हाल पूछ लिया, हमारे लिए तो इतना ही काफी। जी है। जी सही कह रहा है ये, अब हम जाते हैं। ऐसे कैसे जाओगे, मजूरों को खाना खिलाना सवाब है, हम आपको खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देंगे। ये तो खामखा गले पड़ रहे हैं, अब क्या करें? करना क्या है, अब तो खाना खा कर ही जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब इतना सोच क्या रहे हो, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ठीक है भाई जान, आप चलें, हम आते हैं। ओह नो, जल्दी कर चिकन चरगा निकाल और रुमाल के अंदर छुपा। जल्दी से यहाँ खाना खाकर निकलते हैं। ये लो भाइयों को चिकन खिलाओ और तुम जरा मेरे पास आओ। मुझे लगता है इनको पता चल गया है, ये हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अबे काली जुबान, तेरे मुंह से अच्छी बातें नहीं निकल सकती, वो देख कितने सारे चरगे रखे हुए हैं। हाँ तो फिर वो तो रखे हुए हैं, अब क्या करना है इनका? करना क्या है, यही तो अच्छा मौका है, वो वहाँ बिजी है, हम ये सारे चरगे उठाकर इसमें छुपा देते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ आ गई। भाई जान ये जूती में कील क्यों डाले हुए हैं? वो असल में भाई जान, अगर रास्ते में कोई सांप आ जाता है तो इन कीलों के साथ उसको कुचल देते हैं। वाह, लंगड़े होकर भी क्या दिमाग लगाया है आप लोगों ने। बस कर खाना खाने की, चल अब निकले यहाँ से, कहीं इनको शक ना हो जाए। ठीक है भाई जान, हमने बहुत खा लिया, अब हम चलते हैं। जी भाई जान, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं। भाईजान हम तो खाना खा कर आ रहे थे, आपने खामखा तकल्लुफ किया। ठीक है कोई बात नहीं, भाइयों को जाने दो। हैं, ये सारे चिकन चरखे कहाँ गए, अभी तक तो यही सारे रखे हुए थे। गोटी कल्टी मोर। ठीक है भाईजान, अब हमें इजाजत दें, हम जाते हैं। जा कहाँ रहे हो, रुमाल तो उठाओ। रुकें भाईजान, मैं आपको रुमाल उठा देता हूँ। ये इतनी सारी चिकन यहाँ कैसे आई? हमें क्या पता यहाँ कैसे आई, शायद तेज हवा की वजह से सारी चिकन उड़कर मेरे रुमाल में आ गई। लाओ दो मुझे रुमाल, हम जाते हैं। इतना जल्दी क्या है जाने की, हमारे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है जो हमें उल्लू बनाकर चले जाओगे? ये क्या बदतमीजी कर रहे हो भाईजान आप, हम माजूर हैं और माजूरों की इज्जत करनी चाहिए। तुम जैसे माजूरों की इज्जत की नहीं जाती बल्कि इज्जत उतारी जाती है, मारो हरामखोरों को।